हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र कौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यूज टू का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी काम को किया करता था। जब हमें पास्ट की कोई हैबिट बताना हो कि मैं ऐसा किया करता था, मैं 5 बजे उठा करता था, मैं बास्केटबॉल खेला करता था, इस तरीके की हमें पास्ट की जब हैबिट बताना हो तब हम यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसका रूल क्या होता है। सब्जेक्ट लगाएंगे यूज टू, उसके अदर की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। हम तुम्हें पढ़ाया करते थे तो वी यूज टू टीच यू। मैं उसे समझाया करता था तो आई यूज टू मेक हिम अंडरस्टैंड। मैं बास्केटबॉल खेला करता था तो आई यूज टू प्ले बास्केटबॉल। देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस हम दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यूज लिखेंगे, फिर नॉट, फिर टू, उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेकेंड तरीका है, सब्जेक्ट लगाएंगे, डिड नॉट, उसके बाद यूज टू। अब डिड लग गया तो यहाँ पे यूज सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा ध्यान रखिए कि डिड जब भी लग जाए तो मतलब उसके बाद डिड मतलब डू की सेकेंड फॉर्म लग जाती है, डबल से सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे वह फूल नहीं तोड़ा करती थी तो सी यूज नॉट टू प्लक फ्लावर, और इसी तरीके से बोलेंगे इसको सेकेंड तरीके से तो सी डिड नॉट यूज टू प्लक फ्लावर। अब यहां डिड लग गया इसलिए यहां पे यूज लगा है। वह सिगरेट नहीं पिया करता था तो ही यूज नॉट टू स्मोक सिगरेट, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक सिगरेट। देखिए, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। यूज्ड को पहले लिखकर, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, उसके अदवर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर, या फिर डिड को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज, फिर टू, उसके अदवर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या वह तुम्हें पसंद किया करती थी तो यूज्ड सी टू लाइक यू, या फिर डिड सी यूज टू लाइक यू। क्या तुम शराब पिया करते थे तो यूज्ड यू टू ड्रिंक वाइन, या फिर डिड यू यूज टू ड्रिंक वाइन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट यूज हमारा यूज टू का। अब इसमें क्या होता है कि हम सब्जेक्ट इज ए मान लगाएंगे, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या होगा? कोई काम करने की आदि है। जब हम ये बोलें कि मैं चाय पीने का आदि हूं तो आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, इस तरीके से मीनिंग निकलता है। कोई काम करने का, कोई व्यक्ति किसी काम को करने का आदि होता है तब हम सब्जेक्ट लगा के इज ए मान, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आई एन जी, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि, और अगर पास्ट में बनाना हो, कोई व्यक्ति किसी काम को करने का आदि था तो प्रेजेंट में इज एम आर लगाएंगे, पास्ट में वॉज वर्ब लगा देंगे, बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कोई काम करने का आदि था या आदि थे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हम ठंडे पानी से नहाने के आदि नहीं है, वी आर नॉट यूज्ड टू बेदिंग विथ कोल्ड वाटर। वह जल्दी उठने का आदि नहीं था तो ही वॉज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। महेश धूम्रपान करने का आदि होगा तो महेश वुड बी यूज टू स्मोकिंग। अब फ्यूचर टेंस में वुड बी का यूज कर लेंगे या विल बी का यूज करेंगे। जैसे कि वह इस मौसम का आदि नहीं है तो ही इज नॉट यूज टू दिस वेदर। देखिए, इसका यूज सिर्फ आदि होने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाय का आदि हूं, मुझे ऐसा बोलना हो तो, जैसे कि मैं चाय पीने का आदि हूं तो आई एम यूज टू टेकिंग टी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बोलना है मैं चाय का आदि हूं तो आई एम यूज टू टी, वहां पे हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, यूज्ड टू के साथ हम टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करके भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे। जैसे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जैसे हम ठंडे पानी से नहाने के आदि हो गए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो आप गेट की सेकेंड फॉर्म क्या लगाएंगे, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में गॉट लग जाएगा, तो वी गॉट यूज टू बेदिंग विथ कोल्ड वॉटर। वह जल्दी उठने का आदि हो गया है, तो अब ये हो गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे तो ही हैज गॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। महेश धूम्रपान करने का आदि हो जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें क्या लगाएंगे, महेश विल गेट यूज्ड टू स्मोकिंग। अब देखिए, यूज टू की जगह पे आप accustomed to का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि वह इस मौसम का आदि नहीं है, ही इज नॉट accustomed टू दिस वेदर। क्या तुम चाय पीने के आदि थे तो वर यू accustomed टू टेकिंग टी। आई होप कि आपको यूज टू के सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट करके मुझसे बोलिए, मैं आपको उस टॉपिक की वीडियो नेक्स्ट मैं बना के उसको अपलोड करूंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।